सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार। नमस्कार दोस्तों, सत्य खबर की खास पेशकश बोल सत्य बोल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं हनुमान मंदिर के पास। हनुमान मंदिर में नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नई दिल्ली से सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने जो है अपना एक आरोप पत्र जारी किया, जिसमें केजरीवाल सरकार पर उन्होंने आरोप पर आरोप लगाए, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, बहुत सारे इस तरह के आरोप लगाए। तो अब हम वहाँ पहुँचे हैं उसी के जस्ट अपोजिट साइड में, जहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरी मार्केट लगी हुई है, लोग यहाँ से चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और भाई साहब दांत में से कुछ निकाल रहे थे अभी भी, शायद लंच करके आए। क्या नाम है सर आपका? ईश्वरदास। ईश्वरदास जी, मुझे ये बताओ, बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे वार कर रही है कि जी झूठ की सरकार है, तो कहीं ना कहीं फिर केजरीवाल जी करते हैं बीजेपी पे, फिर कांग्रेस इन पे, तो किस तरह कैसे देखते हो, मतलब सारा ये माहौल क्या लगता है? दिल्ली के लिए कौन सी सरकार बेस्ट है? दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट है आपकी सरकार। क्यों? गरीबों की सरकार है वो, गरीबों के लिए सोचती है वो। अमीर कहाँ चले गए? नहीं, उसमें वो भी फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जो बेनिफिट उनको मिलेगा वो उनको भी मिलता है। ये तो पक्षपात नहीं करते वो कोई। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये सिर्फ धोखेबाजी और एक जालसाजी कर रही है, फ्री फ्री का लालच देकर। नहीं जी, बिल्कुल गलत है। कैसे? दिल्ली की जनता, मेरे हिसाब से जो मैं, मेरी फीलिंग है, आपकी पार्टी सबसे बढ़िया है। क्यों? लेडीज के लिए मुफ्त सवारी कर दी बस की, स्कूल सारे सुधार दिए, एजुकेशन बहुत बढ़िया कर दी, और दिल्ली को बिजली की सप्लाई बहुत बढ़िया है, कोई सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल जी सबसे ज्यादा स्कूल के लिए बहुत अच्छा, मैंने स्कूल के लिए बहुत, बहुत बढ़िया कर, क्या कर दिया? स्कूल की एजुकेशन बहुत हाई स्टैंडर्ड की कर दी। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट या पब्लिक? मेरे बच्चे तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, आप तो वो कर चुके हैं, सरकारी से पढ़े हैं, बट अच्छे टॉप में रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये इल्जाम क्यों लग रहा है? अच्छा, फ्री की बात की जाए, आप बोल रही है कि भाई फ्री की सेवा बस में जो है वो कर दी गई लेडीज के लिए, 3 महीने के लिए की गई है, उसके बाद फिर ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू करेगा आगे। मेरा नाम सुखन है भाई। सुखन भाई, बताओ ना, दिल्ली में क्या लग रहा है यार, किसकी सरकार सही रहेगी? सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। सरकार तो यार जी है धक्का कर रही है, पहला तो मोदी वाली सरकार, मतलब इन चाहिए नहीं इदा करना, है ना। ये मैं सिख फैमिली का बिलोंग करता, जो भी साढ़े देश रह रहा है तो हक है ना रहन दा, मतलब सीए वगैरह को लेकर जो ये सब बवाल मच रहा है। हाँ, वो गलत है। दिल्ली में किसकी सरकार सही लग रही है तुम्हें? दिल्ली में तो काफी यार आम पार्टी ने काफी कुछ किया हुआ है, किया है। हाँ, बीजेपी तो इल्जाम लगा रही है उस पर उल्टा के, धोखेबाजी, झूठ है, सिर्फ फ्री का लालच दे रहे हैं। वो तो सभी पे लगा रही है यार। आप कौन सा अच्छा काम कर रही है? कोई एक भी काम अच्छा कर रही है तो लगता है इस बार आ जाएगी आम आदमी पार्टी? पक्का आएगी यार, पक्का आएगी। तो जी कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी जो है वो पक्का आ सकती है, काफी हद तक उम्मीदें हैं लोगों की, और मुझे आपसे उम्मीद लग रही है। क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी। दीपक, मुझे लगा दीपक चौरसिया में घबरा गया था, अभी सेलिब्रिटी के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा बताएं दीपक जी, क्या हालात हैं दिल्ली के, क्या लग रहा है, किसकी आएगी? बहुत ठंड है। ठंड तो बहुत है, सरकार किसकी लाओगे इस ठंड में गर्मी लाने के लिए? नहीं श्रद्धा, ऐसा कुछ पता नहीं है मेरे को आजकल, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। कोई नहीं, आम आदमी पार्टी है, काम देख ही रहे, बिजली पानी ये सब फ्री। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जी ये सब ढकोसलेबाजी है, फ्री फ्री का ये है, 3 महीने का, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। क्या लगता है केजरीवाल दोबारा आ पाएंगे या बीजेपी आएगी? नहीं, केजरीवाल का है दिल्ली में क्रेज बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा क्रेज है सब। अच्छा, मैंने देखा हर जगह। हाँ, हाँ। उम्मीद है आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे हिसाब से केजरीवाल आना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से? जी। तुम वीआईपी हो गई? नहीं, मेरे क्योंकि बहुत सुरक्षा दे दी उन्होंने, बसों में पुलिस वाले खड़े रहते हैं सुरक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, खास करके लेडीज के लिए बढ़िया है। लेडीज के लिए बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने, जगह जगह पुलिस वाले बिठा रखे हैं हमारी तरफ। हाँ, बहुत अच्छा कर रखा है। बीजेपी उन पे आरोप लगा रही है कि भाई नहीं कुछ नहीं, पानी नहीं कुछ नहीं, पानी साफ नहीं आ रहा, बिजली के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ सही आ रहे हैं बिल भी, बिजली पानी सब अच्छा आ रहा है, बिल और बिजली के पानी दोनों सही आ रहे हैं। आंटी जी सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा, सुना है नहीं कुछ भी है, अंधे में धूल में लेटे भाई। आजकल बिजली पानी तो सही आ रही है, और सही बोलेंगे ना, सही आ रही है और क्या। बीजेपी लेकिन क्यों कह रही है फिर कि भाई ये सब धोखा है? ये भाषा बोलते हैं उनके है? जो सब अपने अपने सोच बोलते हैं उनसे हम कोई नहीं है, हमारे यहाँ तो अच्छा आ रहा है। जब ये मान लो कोई भी चीज फ्री की अच्छी नहीं होती है। अच्छा, और हम काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो फ्री की कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। वो 2 महीने 4 महीने के लिए आप सही मान सकते हो। अच्छा, पर फ्री अपने जेब से तो दे नहीं रहे। अच्छा, फ्री
मंत्री अब हटाए, थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाए, जैसे शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुआ, इन पे लेवल पे केजरीवाल ने जो काम किया, क्या लगता है दिल्ली में आ जाएगी दोबारा? नहीं आ सकती, वो काम अच्छा है उसका, बीजेपी का वो काम अच्छा है, जो जिसका काम है वो है। आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है, आपका हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसके लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो जो काम हुआ है वो हुआ है, कह रहे हैं भाई साहब आप बड़े सीरियस होकर सुन रहे हो, क्या कुछ मतलब आपके अंदर कुछ चल रहा है, वो लावा बाहर निकालो? कोई लावा नहीं निकल रहा, कोई लावा नहीं निकल रहा, क्यों? अच्छा दिल्ली के लिए कौन सी सरकार सही लग रही है बताऊंगा? दिल्ली के लिए तो आम आदमी पार्टी सही है। क्यों? लोगों के लिए काम कर रही है। गरीबों की सरकार आम आदमी पार्टी, बीजेपी जो है पैसे वालों की सरकार है, हमेशा पैसे वालों की सुनती है। बीजेपी ने किया क्या? रोजगार खत्म हो गए, महंगाई बढ़ गई, लोग बेघर भी हो गए कई। सरकार के ऊपर अगर चार कारीगर काम करते थे, उनको दो को निकाल दिया गया, वो बेरोजगार हुए। एक आदमी के पीछे चार मेंबर होते हैं, एक आदमी अगर निकालोगे चार पांच आदमी का तो पेट रोजी रोटी तुमने वैसे ही खत्म कर दी है। रोजगार दिया गया है, ये अमीरों की सरकार है, अमीरों की करती है सब कुछ। तो क्या लगता है दोबारा किसमें आम आदमी पार्टी आ पाएगी या बीजेपी आएगी? 100% बीजेपी की जो है जमानत भी जब्त हो जाएगी। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आरोप पत्र जारी कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को, पानी भी खराब आ रहा है। बताइए किसी ने ये बोला कि मैं गलत हूँ? आज तक किसी इंसान ने बोला है कि मैं गलत हूँ? सब कहते हम सही है, तो वो भी यही कह रहे हैं, उसमें उनका क्या? सहमत है इनकी बात से भाई साहब आप? जी जी पूरी तरह से। मेरा नाम हरप्रीत सिंह। हरप्रीत जी बताओ सही कह रहे हैं ये बात? जी अंकल 100% सही कह रहे हैं, ये अंकल नहीं बोला, दिल्ली का मूड बोल रहा है। अच्छा दिल्ली का मूड बोल, दिल्ली का मूड है। आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप। मैं कहा हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। आप और हम सब मिल के आप हैं। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी जी, आम आदमी। आपका क्या कहना है भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुरसेवक सिंह। गुरसेवक जी बताओ मेरे को, वैसे आपका लुक ना बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, और मेरे को किसी की याद दिला रहा, मैं हीरो का नाम बोल रहा हूँ, वरना बहुत जबरदस्त लुक लग रहा है आपका, सच बोल रहा हूँ। अब ये बताओ मुझे, आप देख रहे हो रुझान किस तरह से गरमाया हुआ है राजनीति, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जी ना पानी दिया आम आदमी पार्टी ने, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कैसे? एक गलत है, हम तो वैसे बाहर से ऐसे यहाँ से तो है नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं दिल्ली सरकार के काम केजरीवाल के बहुत अच्छे हैं। आ जाएगी दोबारा? हाँ आ जाएगी, बिल्कुल। आप बताओ? नहीं आएगी, ये झूठ बोलता है केजरीवाल। हाँ ये देखो लो भाई, देखो ये झूठ बोलता है। ये कह रहे हैं, देखो जरा लोगों को सब्सिडी बांट रहा है अभी ये। ये इसके घर का पैसा नहीं ना, ये पहले कहता था दिल्ली तुम्हारे बाप की, इसके घर का पैसा है, लोगों को फ्री फ्री में बांटा जा रहा है। ये लोगों को लोगों की आदत बिगाड़ रहा है दिल्ली वालों की, ये लोगों की आदत ये लोगों की आदत बिगाड़ रहा है। इलेक्शन के बाद सबके पैसे वसूल करेगा ये फिर कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को पैसा रिलीज नहीं कर रही। इसने एक बात बताओ, बिजली पानी के अलावा फ्री करने के अलावा एक बात बताओ, जो लेडीज महिलाएं टिकट फ्री दिल्ली में, तो टिकट क्यों फाड़ के दे रहे हैं? टिकट फाड़ने का मतलब ये है कि उसकी एवरेज पता लगती है कि दिल्ली लेडीजों ने कितना सफर किया। एक मैं बात बताओ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए, एक सेकेंड, आदमी अगर जो घर से बाहर निकलता है कितने % पैसा खर्च करता है? आप मुझे आप एक बात बताइए, लेडीज 70% पैसा मार्केट में खर्च करती है, जीएसटी जो है इस टाइम में लेडीज सबसे ज्यादा दे रही है मार्केट के अंदर। आदमी कितना सामान खरीदता है मुझे आप एक बात बताइए, सवाल दारू की बोतल के अलावा और क्या खरीदता है वो? है क्या बात कर रहे हैं? दारू देखो ये, अच्छा फिर एक मिनट, अभी आप अभी फ्री की बढ़ गई है? नहीं, लोगों को फ्री की खाने की आदत बढ़ गई है इसको, फिर 500 की बोतल ले आप बताइए, थोड़ी फ्री चाहिए। आप पाकिस्तान से नहीं आए हैं? आप पाकिस्तान से नहीं आए हैं? आप हिंदुस्तान के? मेरे ख्याल में 55 साल की आपकी उम्र होगी, मेरी 68 साल की उम्र है। नहीं झगड़े वाली नहीं, मैं बोलती सच्चाई बोल रहा है, सच्चाई के अंदर हमेशा आवाज पूरी तेज होगी, और जो आदमी मिलावट होगा उसकी आवाज मंदी होगी। कोयल अगर बोलती है ना तो आदमी पत्थर मार के उसको उड़ा देता है, मीठी आवाज को कबे को बोलता तू बैठ, तू बैठ। आप कॉलोनियों के अंदर जाकर देखो, कोई सड़क कोई सड़कें नहीं बनी है, कोई कुछ नहीं हुआ है। भाई साहब की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत देर से मुझसे कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊंगा। एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिसको फ्री की बिजली नहीं चाहिए वो अपना पैसा वापस कर दे, और जो महिलाओं को टिकट की वो जो फ्री की लग रही है वो टिकट खरीद ले, उसमें क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि जिन्हें फ्री की किसी को फ्री की बिजली नहीं चाहिए तो वो अपनी अपने बिजली का बिल भर दे, दिक्कत क्या है? नेता को 5000 यूनिट बिजली मिलती है, कितना बिल जमा करते हैं वो? अलग बात क्या, केजरीवाल एक केजरीवाल एक सांप्रदायिक विशेष के तौर पर राजनीति करता है, एक सांप्रदायिक विशेष के लिए पर्टिकुलर ला रहा है, 5-5 लाख रुपए का देगा मुआवजा,
जो दंगाई है दंगाइयों को मुआवजा मिलना चाहिए, केजरीवाल दंगाइयों को मुआवजा दे रहे हैं। पीछे आओ पीछे, दंगाई कह रहे हैं स्टूडेंट है, जेएनयू के स्टूडेंट, आप उनको दंगाई कह रहे हो? जो पत्थर फेंक रहे हैं अपने हक के लिए आवाज उठाना दंगाई नहीं होता है, जो पत्थर फेंक रहे हैं वो दंगाई है। वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स दे आर स्टूडेंट्स, दे आर जेएनयू के स्टूडेंट, एएमयू के पत्थर जो मार रहे हैं ना, कैसे पत्थर जो मार रहे हैं वो साजिश होती है ये नेताओं की, अपनी भीड़ में अपने चार बंदे घुसा दो और वो कम जो पत्थर मार रहे हैं, एक दो पुलिस वाले साइड में खड़े होके ये सेंटर कश्मीर में श्रीनगर में होता है, ऐसे दिल्ली में हो रहा है क्या? हम दिल्ली को श्रीनगर बनाएंगे? पुलिस वाले तोड़ रहे हैं क्या? हम दिल्ली को श्रीनगर बनाएंगे? अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, बिहार के अंदर दिल्ली पुलिस पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रही है, दिल्ली में मतलब कि पुलिस सेंटर पुलिस से पुलिस तोड़ रही है ना। अरे क्यों लगाते हैं ये देश के अंदर? फ्री की आदत पड़ गई, अगर सरकार आदत पड़ गई है तो दिक्कत क्या है इनको? अच्छा क्यों दिक्कत नहीं है? फ्री में दे रही है, बताओ जी इसमें दिक्कत बताओ। एक मिनट, लोगों का टैक्स का पैसा, लोगों का टैक्स का पैसा किसने? केजरीवाल ने 5 साल के अंदर एक भी नया पुल बनाया है? एक नया कॉलेज बनाया इसने? बीजेपी ने बनाया, बताओ क्या कौन सा बनाया? बीजेपी की सफाई नहीं हो रही है, एम सिटी के पैसे दिए, ये लड़ाई हो रही है, आप लड़ाई नहीं पड़ रहे हैं आज के टाइम में, मैं आपके लड़ाई को अच्छा काम कर रहा हूं, लड़ाई नहीं कर रहा हूं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लड़ने वाली बात नहीं है, लोगों की राय मिली जुली निकल कर आई है यहाँ पर भाई। कोई आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहा है, कोई कह रहा है कि बीजेपी ने काम किया है, किसी को फ्री चाहिए किसी को फ्री नहीं चाहिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी पार्टी सत्ता में आती है। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ जुहेब अहमद, सत्य खबर, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।